तो दोस्तों आप लेना चाहते हैं एक बेहतरीन फ़ोन जो कि परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो, डिस्प्ले साइज, रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैटरी बैकअप काफ़ी बेहतरीन हो, और आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा हो कि नथिंग फोन वन लूँ या फिर नथिंग फोन टू लूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों फोन के बारे में, आपको बताऊँगा नथिंग फोन वन के बारे में भी और नथिंग फोन टू के बारे में, यानी कि दोनों का कंपेरिजन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, पूरा परफॉर्मेंस है, क्या प्रोसेसर है, क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, बस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और आप हमारे चैनल में ये वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेने वाले नथिंग फोन वन के बारे में, जिसके प्राइस की अगर हम बात करें तो 28,999 में आपको 8GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम डिस्प्ले की अगर हम बात कर ले तो 6.55 इंचेस का आपको OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बेजललेस विद पंच पॉलिश डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। रेयर कैमरा की अगर हम बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 50MP की अगर हम बात करें तो वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल सकता है और उसके साथ साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल आपको देखने को मिलेगा LED फ्लैश के साथ। 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो 16MP का वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिलेगा। Full HD 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग मोड आपको फ्रंट कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 45mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। 33W का क्विक चार्जिंग आपको V4.0 आपको देखने को मिल जाएगा। USB टाइप की अगर हम बात करें तो C टाइप का आपको USB टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका परफॉर्मेंस, रेयर कैमरा, डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा, बैटरी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको नथिंग फोन वन में मिलने वाला है 28,999 के प्राइस में आपको। वहीं अगर हम बात कर लेंगे नथिंग फोन टू के बारे में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आपको 44,999 में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम डिस्प्ले साइज की अगर हम बात कर लें तो 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि साफ साफ डिस्प्ले में आपको बता दिया गया है कि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी आपको दिया जाएगा बेजललेस पंच होल डिस्प्ले के साथ। वहीं अगर हम बात कर ले रेयर कैमरा की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें भी डुअल कैमरा सेटअप भी आपको देखने को मिल जाएगा। वही जो सेम आपको परफॉर्मेंस दिया गया था नथिंग फोन वन में, वही परफॉर्मेंस रेयर कैमरा की अगर हम बात करें तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंक्लूड कर दिया गया है, 4K रिकॉर्डिंग के साथ आपको 60fps का रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि नथिंग फोन वन में देखने को नहीं मिला था। बाकी 1550 का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल रहा है और 50 का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल रहा है LED फ्लैश के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो 4K आपको 60fps रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो 32MP का आपको वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिलेगा। Full HD 30fps के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें फ्रंट कैमरा में। बैटरी की अगर हम बात करें तो 4700mAh का आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। 45W का फास्ट चार्जिंग, USB भी आपको यहाँ पर सी टाइप का दिया जाएगा, यानी कि काफ़ी कुछ इसमें सिमिलर है। एक मेरे को सिर्फ लगा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड है ये उसमें 30fps बढ़ा दिया गया है, बाकी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। स्नैपड्रैगन की अगर हम बात करें तो 8+Gen 1 आपको देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ सिमिलर आपको देखने को मिल ही रहा होगा। सारा कंपेरिजन मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला। नथिंग फोन वन जो कि 28,999 में है, वहीं नथिंग फोन टू जो 44,999, 8GB 128GB की स्टोरेज के साथ, तब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप लोग कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें सिमिलर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा जो कि इसमें 16MP का था, वही फ्रंट कैमरा इसमें 32MP का देखने को मिल रहा है। डुअल कैमरा की अगर हम बात करें उसमें से 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग मोड देखने को मिल रहा है, और वहीं नथिंग फोन टू में 60fps का रिकॉर्डिंग मोड आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद नथिंग फोन वन में अगर हम बात करें तो गोरिल्ला ग्लास आपको नहीं दिया गया, वहीं नथिंग फोन टू में गोरिल्ला ग्लास आपको दिया गया। बस यही फ़र्क है, बैटरी में भी आपको सिर्फ 45mAh की बैटरी आपको दिया गया नथिंग फोन वन में, और 43mAh का आपको बैटरी दिया गया है इसमें। तो बस यही सर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ सिमिलर ही मेरे को लग रहा है। तो आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप लोग कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं वो भी मेरे को कमेंट में बता देना। दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, इससे रिलेटेड और भी कोई आप लोग जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारा डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।